Dear BBA third semester students, welcome back to the class of entrepreneurship development. Entrepreneurship development unit 5 का एक important topic में आज discuss करने जा रहा हूँ topic में वो है social responsibility of entrepreneur towards the business. Previous classes में हमने social responsibility entrepreneur की towards owners पढ़ी थी. टूवर्ड सोसाइटी बढ़ेगी. सोसाइटी के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जिससे एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज लेता है और सोसाइटी को फ्लरिश करता है न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज. तो एंटरप्रेन्योर की उन डिफरेंट डायमेंशंस के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो आज आप समझेंगे कि बिजनेस के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंटरप्रेन्योर की. फर्स्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. एफिशिएंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर या मैनेजर जो है उनको एक बिजनेस के एफिशिएंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए काम करना चाहिए और उनको बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट जो हैं उसके प्रति भी सिंसियर रहना चाहिए और डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए. सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब है कि मैनेजर से एंटरप्रेन्योर द्वारा ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज जो कि सोसाइटी द्वारा दिए जाते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स ह्यूमन सोसाइटी को सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज देने में कैपेबल होगा. थर्ड रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जैसा कि आप सबको पता है एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टेड कैपिटल को लगाकर बिजनेस को एफिशिएंटली ऑपरेट करके मैनेज करके प्रॉफिट्स अर्न करे और उसको कैपिटल पे रीजनेबल रिटर्न्स मिले. जिससे रीजनेबल रिटर्न्स मिले तो सोसाइटी को वो अच्छी तरह सर्व कर पाएगा और रीजनेबल प्रॉफिट्स कमाना न केवल पब्लिक सेक्टर के लिए असेंशियल है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी असेंशियल है. नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द इमेज. इसका मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर द्वारा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और इमेज को मेंटेन किया जाना चाहिए और साथ ही एफर्ट्स करने चाहिए कि कल्चर और इमेज ऑर्गेनाइजेशन की कैसे इंक्रीज हो रहे. क्योंकि अगर रेपुटेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी तो ये रेपुटेशन सोसाइटी में सोसाइटी के लोगों के पास में जाएगी सोसाइटी के लोगों के पास जाएगी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विल बी फ्लरिश. फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव द इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट. इसका मतलब ये होता है एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस इंस्टीट्यूशन में हमेशा इंटरेस्ट होना चाहिए. अपने बिजनेस इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट के प्रति उसको काम करना चाहिए और इसका ये भी मतलब है कि वेल्थ जो होती है और टाइम जो होता है इंस्टीट्यूशन का वो यूज़ करना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट के लिए. सिक्स मेंटेन सॉल्वेंसी पोजिशन. इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए जो उसको बैंक से लिमिट्स मिली हुई है उसमें से विड्रॉल को सोच समझ के करें. विड्रॉल्स सोच समझ के करें क्योंकि आज का जो ज़माना है वो क्रेडिट कैपिटल का है और उसको क्रेडिट प्लानिंग भी बहुत प्रॉपर वे में करनी चाहिए और रिपेमेंट्स ऑफ द विड्रॉल अमाउंट ये वो भी उसको टाइमली करने चाहिए. प्रिडिक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी. एंटरप्रेन्योर को अनसर्टेनिटी जो होती है जैसे कि बिजनेस की अनसर्टेनिटीज हैं बूम है रेसेशन है ये फ्लक्चुएशन है डिप्रेशन है इनके लिए इनको प्रिडिक्ट करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना चाहिए साइंटिफिक मेथड्स का. साथ ही जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उसके एक हिस्से को एक्युमुलेट इकट्ठा करके रखना चाहिए जिससे कि वो
अनसर्टेनिटीज को बिजनेस अनसर्टेनिटीज को फेस कर पाए। एट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, पॉलिसीज बनाए और उनको एग्जीक्यूट करें, मतलब इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया जा सके। नाइन्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंट्री इन द न्यू मार्केट। एंटरप्रेन्योर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि न्यू मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर वो जाए और मार्केटिंग करे और इफेक्टिवली टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स में जाकर प्रोडक्ट के बारे, सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट करे, लेकिन किसी भी हालत में मोनोपोली की कंडीशन उस टारगेट मार्केट में क्रिएट नहीं करनी चाहिए। टेंथ रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रमोट द रिसर्च। एंटरप्रेन्योर द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट एलोकेट करना चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यूस एक्टिविटी के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन में चलाना चाहिए, जिससे कि वो बेटर फीचर्स, बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट्स एंड सोसाइटी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सोसाइटी को दे पाएंगे। थैंक यू।